दोस्तों आज हम जानेंगे एक और यूरोप की बेहद ही सुंदर कंट्री के बारे में, जहाँ की हवा ताजगी से भरपूर है। इसके अलावा इस देश की महिलाओं को काफी खुले विचारों वाला माना जाता है और इस देश में हजारों की संख्या में महिलाएं वैश्यावृत्ति के काम को करती हैं। इस देश के कई शहर और गलियां देह व्यापार करने वाली महिलाओं की खुली झलक दिखाते हैं। साथ ही यहाँ यूरोप का सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी मौजूद है। दोस्तों हम जिस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप की एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके चारों ओर कोई न कोई देश लगता है। ऑस्ट्रिया के पड़ोसी देशों में जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली और स्विट्जरलैंड आता है। टोटल पॉपुलेशन करीब 89 लाख के आसपास है, जिसमें से लगभग 70% ईसाई धर्म, 8% मुस्लिम, बाकी 22% में नास्तिक और अन्य धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। क्योंकि यह देश 83,879 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और रहने वालों की संख्या काफी कम है, यही कारण है ऑस्ट्रिया ने यूरोप के कई देशों को विकास करने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बीचेस मौजूद हैं, जिन पर महिलाएं हो या पुरुष खुली धूप, ताजी हवा, साफ पानी लेने अक्सर आते हैं। माहौल शांत रहता है, आप क्या कर रहे हैं इस पर कोई ध्यान नहीं देता, इसी वजह से भी लोग इस देश को काफी पसंद करते हैं। ऑस्ट्रिया की महिलाएं बेहद ही खूबसूरत मानी जाती हैं। लंबा कद, आकर्षक शरीर और खुले विचार के कारण एक बार जो इनसे बात कर लेता है वह इनका दीवाना हो ही जाता है। इसके अलावा इस देश में देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य है, इसीलिए तो कई लड़कियां और महिलाएं निडर होकर इस काम को करती हैं। यहां ऐसा करने पर भी लोग इन महिलाओं की इज्जत करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई लोगों का मानना है काम काम होता है, ये उन्हें पसंद है तो यही उनके लिए सबसे बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है, लगभग 99.7% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं और यहाँ की सरकार बच्चे के जन्म के 4 साल बाद ही खुद उसे सरकारी स्कूल में दाखिल कर देती है। यहाँ के पुरुष सबसे फिट माने जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के हर एक आदमी को 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। हरियाली की कोई कमी नहीं, पेड़ पौधे से वातावरण चारों तरफ से हरा भरा साफ दिखाई देता है और इसके पीछे का कारण है कि यहाँ की 43% धरती पर जंगलों का होना। स्वीडन के बाद ऑस्ट्रेलिया के लोग यूरोप में सबसे स्वस्थ माने जाते हैं। यहाँ के लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की औसतन आयु 76 सालों की है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी जैसा कोई शब्द है ही नहीं, सबके पास कोई ना कोई काम है और ये नागरिक अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग सभी की लव मैरिज होती है, यहाँ की महिला हो या पुरुष प्यार जीवन भर निभाते हैं, तभी तो स्कूल का पहला प्यार ही इनका लाइफ पार्टनर बनता है। अब जब स्कूलों में ही प्यार हो जाता है तो यह शारीरिक संबंध भी जल्दी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ इस चीज को इतना महत्व नहीं दिया जाता। ऑफिस टाइम पर लोग काफी कम दिखाई देते हैं, लेकिन शनिवार की शाम से ही यहाँ भीड़ भाड़ होना शुरू हो जाती है। लोग खूब मस्ती करते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, डांस के मजे उठाते हैं। पैसे के रूप में यहाँ यूरो चलता है और 1 यूरो भारत में 90 रुपए के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना शहर है साल्सबर्ग अल्स्टेट। आप इसकी खूबसूरती के बारे में इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, पर कभी ये एक धार्मिक स्थल हुआ करता था जहाँ पर ईसाई धर्म के लोग यहाँ पर जमा हुआ करते थे। ये है यूरोप का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। ये झरना 380 मीटर हाइट रखता है। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं जब इतनी ऊंचाई से यह पानी गिरता है तो ये और ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगता है। ऑस्ट्रेलिया में एक रास्ता है फ्रांस जोसेफ, जिसे सबसे शानदार सड़कों में गिना जाता है। यहाँ की सुंदरता गाड़ी से सफर करते वक्त और ज्यादा साफ दिखाई देती है। ये पूरा रास्ता पहाड़, जंगलों और बर्फ से घिरा रहता है। राजधानी वियना ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सिटी है। लाखों टूरिस्ट इस आकर्षक शहर को पूरे यूरोप से देखने आते हैं।
यूरोप नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, पर भारतीयों को यहाँ प्रवेश करने के लिए वीजा लेने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक छोटा सा लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।